हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अश्विताज किचन। आज हम स्वीट और टैंगी गुलम्बा बनाएंगे जो कच्चे आम से बनता है। इसे मुरब्बा भी कहते हैं। एक बार बना के महीनों तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और साथ में ऑल ऑप्शन दबा के सभी नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि मेरे सभी रेसिपीज की अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है और उसमें 1 कप ग्रेटेड मैंगो डालेंगे। जो मैंगो पिकल के लिए यूज करते हैं वही मैंगो यूज करना है। मैंगो का स्किन पील करके इसे ग्रेट करना है। 3/4 कप गुड़। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक गुड़ यूज किया है जो बहुत स्वीट होता है और इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब गुड़ मेल्ट होने तक इसे चलाते रहना है कंटिन्यूसली। जब गुड़ मेल्ट होगा तो गुड़ के सिरप में ये मैंगो बॉईल होगा, तब आप ओकेजनली स्टिर कर सकते हो। इसे 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पे पकाना है। फ्लेवर के लिए कुटी हुई इलायची डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 इलायची क्रश करके डाला है। अब सिरप थिक होने लगा है। अब ये सिरप थिक हो गया है और मैंगो में पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। अब ये मैंगो बहुत ग्लॉसी दिख रहा है और इसका अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो बस ये गुलमा तैयार है। इसे ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में महीनों भर तक स्टोर किया जा सकता है या फिर आप रेफ्रिजरेटर में साल भर इसे स्टोर कर सकते हो। आप ये गुलम्बा रोटी या चपाती के साथ सर्व कर सकते हो।